दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज मैंने अपना जो वीडियो है, कैमरा है, वो पंखे की तरफ कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आज की मेरी रिसर्च जो है वो पंखे के ऊपर ही है। आज मुझे WhatsApp पे एक मैसेज आ रहा था जिसमें कहा गया था कि पंखा जो है स्टॉप होने में 1 मिनट 43 सेकंड लगाता है अगर वो अपनी फुल स्पीड पे स्टॉप किया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे क्रॉस चेक किया जाए और थोड़ी सी रिसर्च की जाए इस बारे में। तो पहले मैं इस पंखे को अपने फुल स्पीड पे करना चाहूँगा। तो ये फुल स्पीड पे आ चुका है। अब मैं इसे बंद करता हूँ। तो अभी मैंने बंद कर दिया। अब हम इसका टाइम काउंट करेंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि WhatsApp पे हमेशा फॉरवर्ड ना कीजिए। WhatsApp पे पहले क्रॉस चेक कीजिए, फिर फॉरवर्ड कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल कोरोना वायरस है और हमें उसकी वजह से घर पे ही बैठना पड़ेगा। तो आज आप लोगों के पास बहुत ही उम्दा टाइम है ये चेक करने के लिए कि जो आप WhatsApp पे न्यूज़ या जोक्स या कुछ भी साइंटिफिक तथ्य जो भी आप देखते हो, क्या वो एक्चुअल में वो उतने रेलिवेंट हैं कि नहीं है, क्या वो उसमें कोई फैक्ट है कि नहीं है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस जाल में फंस जाते हैं कि हम ये समझ नहीं पाते कि ये सही असली की न्यूज़ है या फिर ये कोई फॉल्स न्यूज़ है, और हम इसको जस्ट फॉरवर्ड करते रहते। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे लाइक पंखे का वीडियो है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों से आपको पता चलेगा कि वो फैक्ट चेक करना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, आप देख सकते हो इस टाइम 1 मिनट 20 सेकंड हो चुके हैं, ये 21 और ये 22। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि 1 मिनट 22 सेकंड लगे इस पूरे पंखे को अपनी पोजीशन पे आने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं किसी को भी कह सकता हूँ कि इसे 1 मिनट 43 सेकंड नहीं लगते, इसे 1 मिनट 22 सेकंड लगते हैं, या फिर 23 सेकंड लगते हैं, या 21 सेकंड लगते हैं। मे बी हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गए हों, बट हाँ, हम 20 सेकंड पीछे हैं। तो एग्जैक्ट टाइम जो इसे लगता है वो 1 मिनट 22 सेकंड के अराउंड का है। तो दोस्तों, इसी रिसर्च के साथ मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि प्लीज़ घर पर रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।